के, hmm. hmm. के दोनों hmm. 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 नहीं नमस्कार आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ Building on the success of already existing 12 PME Vidya DTH TV channels, the Honorable Finance Minister of the Government of India, in a budget presentation on 1st February 2022, announced the launch of 200 PME Vidya DTH TV channels. Program of PME will be expanded from 12 to 200 TV channels. PME Vidya is a comprehensive initiative to unify all digital, online, on air educational efforts. It seeks to leverage technology, enabling multimodal access to learning opportunities for various stakeholders, including children and teachers at the school level. Under the PME Vidya initiative, as national education policy recommends, the educational DTH channels have been expanded with purpose to make educational opportunities in multilingual mode so that different states of the country may avail quality e content in their own language. The PME Vidya, which was launched in May 2020 as part of Atmanirbhar Bharat, has several components for school education. They are DTH TV channels, Deeksha One Nation One Digital Platform, using radio stations, Akashwani, community radio stations. नमस्कार आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ अनुप्रकुल श्रेष्ठ और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर दो और साथ ही आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से भी और हमारा यूट्यूब चैनल है एन सी ऑफिशियल और अभी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो स्टोरी है उसको हम जानेंगे सुनेंगे खेल गीत है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करेक्टर भी है टिल्लू जी और जो हमारा चैप्टर है वो है सेवन और वो भी है टिल्लू जी तो टिल्लू जी ये जो हमारा खेल गीत है इसके बारे में हम जानेंगे लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं एट एट जीरो जीरो फोर फोर ज़ीरो फाइव फाइव नाइन ये हमारा नंबर है और इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं डी टी एच डॉट क्लास टू एट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट इन और टिल्लू जी के बारे में बहुत कुछ आपको बताएँ कि हमारी टीचर वंदना गुप्ता जी हैं हमारे साथ फ्री लांस आर्ट एजुकेटर नमस्ते मैम स्वागत है आपका नमस्कार बच्चों तो बात करेंगे टिल्लू जी की और टिल्लू जी की बात तो हम यहाँ पर करेंगे लेकिन मैम यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि बहुत सारे प्रॉप्स हमारे पास हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं ये सारे के सारे और इन ये जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो क्या रोल प्ले करने वाले हैं ये तो हमें मैडम ही बताएंगी जी चलिए जानते हैं तो शुरू करते हैं बच्चों मुझे एक बात आपसे पूछनी है कि आप जब स्कूल जाते हो तो कुछ लेकर जाते होंगे ना और वो क्या जरूरी चीज़ होती है सबसे जरूरी चीज़ मैं बताऊँ मैम हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमारा स्कूल का बैग और बैग में जरूरी होना चाहिए किताबें तो होनी चाहिए खाना भी होना चाहिए बिल्कुल बच्चों देखो एक बैग का बैग अब ये बैग तो जरूर हो और इसके अंदर आपको पता है ना कुछ जरूरी चीज़ें भी ज़रूर होती हैं और वो हैं जैसे खाने का बॉक्स जो हमारा और एक होता है पानी की बॉटल और क्या होता है और साथ में होती है कि हमारी एक किताब और एक पेंसिल ये तो जरूर होता है पर पता है बच्चों आज क्या हुआ आज ना टिल्लू जी अपना बैग ले जाना ही भूल गए ऐसा भला होता है कभी <laughs> तो हम आपको पहले एक कविता पढ़ के सुनाते हैं और फिर साथ साथ बताते हैं कि आगे क्या हुआ होगा तो कहा कविता हमारी ऐसी है टिल्लू जी हमारे स्कूल गए पर वो अपना बस्ता घर ही भूल गए रास्ते भर थे डरे डरे और कैसे कर रहे थे गेट पर पहुँचे और देखा अरे अरे और क्या था वहाँ पर जो गेट पर छुट्टी का नोटिस था चिपका वो जो ये देखा और एकदम खुशी से फूल गए और जो दोनों बाहें थी ना अपनी वो माँ के गले में डाल और उनके गले पर झूल गए तो देखो छोटी सी एक कविता है जिसको मैंने अपने ढंग से सुनाया और एक बार मैं फिर से इसको पढ़कर भी सुनाऊंगी और वो है दोबारा से हम इसको पढ़ते हैं टिल्लू जी स्कूल गए रस, बस्ता घर पर भूल गए रस्ते भरते डरे डरे पहुंचे गेट पर अरे अरे छुट्टी का नोटिस चिपका देख खुशी से फूल गए दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए आप देख रहे हो ना कि बैग तो घर पर ही छोड़ गए और सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं पर ऐसा कभी होता है बच्चों आपके साथ कि आप कभी अपना बैग ही छोड़ के गए हो लेकिन जैसे ही घर आए ना वहां पर उनकी माँ ने जब पूछा कि वो वापिस आ गया तो एकदम से लिपट गए कि माँ आज तो छुट्टी थी छुट्टी थी और इस बात की भी चिंता दूर हो गई कि बैग तो घर पर ही भूल गए तो अपना बैग कभी ना भूले और बैग में अपना लंच बॉक्स भी ले जाना कभी ना ले तो चलो बच्चो हाई खेल गई आप हमें बताइएगा बिल्कुल तो बच्चों ये तो हमारा था खेल गीत और इसके साथ ही ना एक बहुत ही मजेदार कहानी भी है और वो कहानी है दिवाकर की hmm. जो एक बहुत छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा कितने साल का है पाँच साल का तो हम आपको पहले दिवाकर से मिलवाते हैं वो है हमारा दिवाकर ये अब दिवाकर ने अपनी बहन के साथ उसकी एक बहुत प्यारी सी बहन है उसका नाम है मीना तो एक है दिवाकर और एक है मीना ये दोनों के दोनों बहुत मस्ती करते हैं सारा दिन और सबको भी खूब हंसाते हैं पता है कैसे क्या करते हैं मीना ना अपने भाई दिवाकर को सारा दिन गणित भी पढ़ाती है और बहुत ही खेल में पढ़ाती है खेल में पता है कैसे पढ़ाती है जैसे वो कहती है कोई भी चीज उसके घर में एक चीज मिली उसने क्या बोला कि भाई ये है दो एक और एक दो तो मीना ने मीना से दिवाकर ने बोला कुछ तो बोलो ऐसी ही एक रिदम बनाई उन्होंने कहानी बनाई ऐसे ही फिर एक बार और उसने करा मीना ने उसने क्या बोला एक और दो जैसे एक और ये दो मिलकर कितने हुए मिलाकर आप बताओ कितने हुए बच्चों तीन तीन तो मीना ने क्या बोला कि मछली को भी कहते हैं मीन <laughs> अब देखो ये ऐसे जैसे बोला तो सारे के सारे जो लोग थे वो हंसने लगे ऐसे फिर और आगे आया उसने बोला कि कैसे दिवा करने कि एक दो दो और दो मिलाकर कितने हुए टोटल मिलाकर बताइए आप मुझे वो कितने हुए ये हो गए चार. चार. तो पता मीना ने क्या बोला मीना ने बोला उसको तो बहुत पसंद है और क्या पसंद है अनार ये देखो ये है उसको अनार तो ऐसे ना वो अपने घर में अपनी चीजें ढूंढते हैं कि किस संख्या को वो सीखना चाहते हैं गणित के माध्यम से और वहां पर वो बताते जाते हैं ऐसी और भी कोई बहुत सारी चीज होंगी जैसे और कितने हो सकते हैं कि अब हम कहें कि ये तीन ठीक है और हम कहें कि यहाँ पर हम और चीजें जोड़ दें वो होगा दो तीन और ये चार तो ये दोनों चीजें मिलकर कि एक दो तीन चार पाँच छ सात तो मीना ने कैसे गाना गाया होगा किसी चीज के लिए कि हम दोनों का साथ एक दो तीन चार पाँच दोनों का हो गया है अब साथ तो ये इस तरीके से मीना अपने भाई को दिवाकर को बहुत मजे से ऐसी ऐसी चीजें घर से निकालती और पढ़ाती जाती तो दिवाकर ने कहा अरे दीदी कल तो छुट्टी है मुझे तो लगता है दादाजी आज कुछ करेंगे तो पता है बच्चों दादाजी ने आज क्या करा था क्योंकि छुट्टी का दिन कब आता है उस दिन क्या होता है छुट्टी का दिन कब होता है आप बताओ इतवार को इतवार को तो उस दिन इतवार था तो दादाजी थे ना अब मैं आपको उनके पहले दादाजी से मिलवाती हूँ तो दिवाकर के जो दादाजी थे उन्होंने क्या करा देखिए दिवाकर के दादाजी ने दिवाकर के दादाजी हैं उन्होंने क्या करा बहुत सारा, तो कर सारा दूध मंगाया जो दिवाकर के दादाजी हैं उन्होंने ढेर सारा दूध मंगाया और उस दूध को दादी को बोला अब दादी को दिखाते हैं आपकी दिवाकर की जो दादी वो वही दिवाकर की दादी जी हैं है ना उन्होंने दिवाकर की दादी जी को बोला कि तुम दूध ना कढ़ाई में डाल दो और उसको उबलने रख दो और तब क्या बजे थे बच्चों तब बजे थे पूरे घड़ी में नौ तो हम आपको घड़ी दिखाते हैं देखो घड़ी कैसे है ये घड़ी तो घड़ी में बजे थे नौ अब इस घड़ी को आप ध्यान से देखना ये बज गए हैं सही नौ और दिवाकर ने क्या देखा कि दादाजी ने जो दिवाकर के दादा जी ने दूध मंगाया और दादी को बोला कि इसको उबलने रख दो ठीक है तो दादी ने दूध कढ़ाई में उबलने रखा और उसको धीरे धीरे किसने चलाया आपको पते कौन चलाएगा उसको चलाया दिवाकर की माँ ने ये देखो दिवाकर की माँ ने दूध को धीरे धीरे कढ़ाई में चलाया चम्मच की सहायता से और उनकी मदद के लिए कौन आया जो उसके चाचा जी थे दिवाकर के ये चाचा जी हैं वो उसकी मदद के लिए आए तो अभी धीरे धीरे घड़ी ना आगे 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 बढ़ती जा रही थी दूध उबलता जा रहा था घड़ी आगे चलती जा रही थी दूध और गाढ़ा होता जा रहा था ऐसे करते 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 जब दूध गाढ़ा हो गया बच्चों तो क्या बच गया हम वो दिखाते हैं आपको वो बज गए अब आप इसको समझो ये क्या बजा ये बज गए कितने दस और पूरे दस बज गए नौ बजे रखा था दूध उबलने के लिए और अब वक्त हो रहा है दस, दस तो दस बजे तक मम्मी माँ ने और जो दिवाकर के चाचा जी ने दोनों ने मिलकर दूध को बहुत अच्छे से गाढ़ा कर दिया अब दूध थोड़ी देर में अब ठंडा भी तो होगा बच्चों है ना तो जब ठंडा होने का समय आया तो उसमें दिवाकर ने बोला कि चलो क्या बन रहा है बाबा जी मुझे ये तो बताओ। तो बताओ ने बोला कि मैं ना कुल्फी बनवाऊंगा आज सब मिलके खाएंगे <laughs> अब सब ने तो दिवाकर के चाचा जी बाजार गए 11 बजे के आसपास बाजार गए और देखो ये कैसे बजे 11 है ना ये बजे 11 अब उन्होंने दिवाकर के चाचा जी ने क्या गए बाजार गए और बाजार से क्या लेकर आए एक बड़ा सा मटका एक बड़ा सा मटका लेकर आए और इसके अंदर ढेर सारी बर्फ लेकर आए और उसके अंदर नमक भी डाला पीस के कूट के ना जिससे कि बर्फ जमेगी तभी तो जमेगी बर्फ कैसे जमेगी तो उसमें उन्होंने डाला तब तक जब 11 बज रहे थे इस समय इसमें बर्फ डाली और नमक डाला और जो उसकी दादी जी और मम्मी थे ना उन्होंने पता है क्या करा जो दादी जी और उसकी माँ ये देखो जो उनकी दादी जी और उनकी माँ ने दूध के अंदर ढेर सारे खूब सारे पिस्ता बादाम देखो मैं आपको दिखा रही हूँ ये पिस्ते बादाम इस तरीके की चीजें चीनी ये सब चीज़ें ना ढेर सारी इन सबको थोड़ा 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 कुतरा और सारा का सारा दूध में डाल दिया अब hmm. उनको तो लगा कि दिवाकर का ना मल चलने लगा आपको पता है बच्चों जब दिवाकर ने देखा कि मेरे घर में कुल्फी बनने वाली है और सुबह से नौ बजे से नौ के दस हो गए दस बजे तक दूध गाढ़ा हो गया और दस बजे के बाद जब दूध गाढ़ा हुआ ग्यारह बजे जो उसके चाचा जी थे वो कहाँ गए बाजार और वहां से क्या लेकर आए एक बर्फ और दूसरा नमक और उन दोनों को अच्छे से कूट के मटके में डाल दिया अब जो उनकी माँ थी वो ग्यारह बजे से लेकर उस काम को कर रही हैं कभी उसमें वो दूध को ठंडा हो हो रहा है उसके अंदर वो पिस्ता काजू बादाम चीनी केसर इतनी सारी चीज़ों को मिलाकर, चलाकर और उनको किस में भरा जो ये ऐसे कुल्फी के खांचे होते हैं ना इसमें सब में भरा और सब के अंदर भर के उनको रखते जा रहे हैं अब दिवाकर कमरे में आया दिवाकर ने पूछा कि माँ ये तो बहुत सारे हैं हम लोग कितनी खा सकते हैं तो माँ ने तो बोला कि भाई थोड़ी थोड़ी खाते ना एक बार में एक ही खानी है तो दिवाकर ने कुल मिलाकर गिना उसने कैसे गिना एक और दो ऐसे तीन चार ऐसे करते करते जब देखा कि भाई मेरे पास तो बहुत सारी हैं ऐसे उसने कितनी मिली गिनी उसमें देखा कि कुल मिला के दस थी तो दिवाकर ने अपने घर में भी देखा कि हमको लोग कितने हैं उसने गिना अपनी उंगली पर कि मैं मेरी बहन मीना उसकी माता जी उसके पिताजी उसके दादाजी उसकी दादी जी और उसके चाचा जी तो कुल मिला के कितने लोग हुए सात लोग लेकिन यहाँ तो कितने थे ये कुल्फी के खाने ये थे कुल मिलाकर दस तो दिवाकर बड़ा खुश हुआ दिवाकर ने कहा कि भाई ऐसा है मैं हम और भी खा सकते हैं तो दादाजी ने बताया उसको कि बच्चे ऐसा होता है ना कोई हमारे घर भी तो आएगा तो हम उनको भी तो खिलाएंगे यहाँ पे जैसे हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं आपने देखा ना सब ने मिल काम करा सुबह मम्मी ने दूध उबाला था दादी जी ने और उसके चाचा जी ने सबने मिलकर सामान काटा बनाया भरा तो ऐसा करते करते पता है बच्चों क्या टाइम हो गया ये सब करते करते पूरा एक बज गया अब हम दिखाते हैं देखो ऐसे घड़ी आगे चलती रही चलती रही घड़ी ऐसे धीरे 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 बढ़ता रहा और ऐसे करते करते पूरे एक बज गए अब एक बजे दिवाकर को लगा कि अब तो बहुत देर हो गई तो मुझे अभी तक क्यों नहीं कुल्फी मिल रही है तो दिवाकर भागा भागा कहाँ गया अपने दादाजी के पास और दादाजी से उसने पूछा कि दादाजी दादाजी क्या मुझे कुल्फी खाने को कब मिलेगी तो दादाजी ने बोला भाई कुल्फी तो अभी जमेगी समय लगेगा तुम्हें पूरे पांच बजे मिलेगी अब यह बात सुनकर जब दिवाकर ने सुनी ना अपने दादाजी की बात तो उसे लगा अच्छा पांच बजे उसने कहा पांच बजे तक मैं क्या करूं पांच बजे तक मैं क्या करूं तो उसने कहा चलो ठीक है दादाजी ऐसा करता हूं मैं ना अपने दोस्तों के साथ आता हूं भाई कुछ तो करेगा ना तो उसने अपनी बहन को आवाज दी मीना दीदी दी, चलो आप मेरे साथ घूमने चलो तो वो सारे बच्चे ना घूमने कहाँ चले गए खेलने जहां पर उसके बहुत सारे दोस्त थे देखो यहाँ पे उसके बहुत सारे दोस्त भी थे तो दिवाकर का एक दोस्त दो दोस्त तीन ऐसे उसके बड़े सारे दोस्त थे तो दिवाकर सबके साथ खेलने लगा लेकिन उसको बार बार लग रहा था कि मैं घर जाऊंगा मैं ना कुल्फी खाऊंगा मैं घर जाऊंगा मैं कुल्फी खाऊंगा और उसने देखा कि मेरे तीन दोस्त हैं

देखना चाह कि भाई अभी क्या बजा है मुझे तो उसको घड़ी देखनी आती नहीं थी तो उसने फिर से देख अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी अभी क्या समय हुआ है तो दादाजी ने बोला कि अभी ना बिचे दो बजे हैं अब देखो दो कैसे बजते हैं घड़ी के अंदर ऐसे है ना ये बज गए दो अब दादाजी ने बताया कि घड़ी में दो बजे हैं और उस दिन उधर जो दिवाकर था वो बड़ा ही खुश हो रहा है कि अरे दो बज गए थोड़ी सी देर रह गई पांच बजने में दो बज गए थोड़ी सी देर रह गई पांच बजने में अब वो सोच रहे ऐसे करते करते अब उसको पता है कि पांच बजने हैं लेकिन अभी पाँच तो बजने में समय है और कितना इंतजार करना मुश्किल हो जाता है ना बच्चों के लिए जब उनको पता हो कि अभी कुल्फी खाने को मिलेगी और अभी इतना इंतजार करना है लेकिन हम सब जानते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है बिल्कुल कुल्फी भी मीठी मीठी स्वादिष्ट सी तो बच्चों अब दिवाकर ने थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि भाई हम ना ऐसे उसने कुल्फी के लिए तैयारी कर रही लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद वो जब वापिस आया तो घड़ी में तब तक तीन बज गए थे ठीक है तीन बज गए थे और दिवाकर जैसे ही दौड़ के वापिस आया तो उसने दादाजी से पूछा कि दादाजी तीन बज गए कितने बज गए तो दादाजी ने बताया कि भाई अब ना तीन बज गए तो दिवाकर को पता कैसे लगा दिवाकर को लगा कि पहले दो बजे थे और अब तीन बज गए तो इसका मतलब कुल मिला के पांच बज गए उसने जैसे ही बोला कि दादाजी ऐसा लगता है कि मुझे तो पांच तो बज ही तीन जमा दो जो उसका, उसने लिखा, बोला था कि दो जमा तीन बराबर है कितना के पांच तो उसको लगा ये तो पांच बज गए और वो झटपट भागा हुआ आया दादाजी के पास कि दादाजी चलो जल्दी से ऐसा करता हूं मैं अपने सारे दोस्तों को बुला के लाता हूं आज और मजे से कुल्फी खाएंगे और खूब बौ उड़ाएंगे तो देखा बच्चों दिवाकर की कहानी कि आज दिवाकर ने अपने मन की लेकिन ये बात जैसे सुनी ना दादाजी ने उन्होंने क्या बोला कि अरे अभी ना पाँच नहीं बजे अभी तो दो बजे थे फिर तीन बजे थे लेकिन दिवाकर इतना प्यारा इतना बोला था कि जब उसको दादाजी ने उस ये चीज देखी कि दिवाकर को जोड़ अच्छे से समझ आ गया है उन्होंने तो दिवाकर को खूब प्यार करा और कहा कि अभी थोड़ी देर और इंतजार करो तुम्हें मीठी-मीठी कुल्फी मिलेगी तो देखा कितना मजा आया टिल्लू जी से भी हम मिले और दिवाकर से भी हम मिले और हमने कई खेल खेले और खेल खेल में बहुत कुछ सीखा तो बस अब आप जो आपने सीखा है वो आप अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ भी ऐसा कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं और जल्दी से अपने दोस्तों को फी के लिए भी बुला सकते हैं उनको इनवाइट कर सकते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया वंदा मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे से हमें ये कहानी समझाने के लिए टिल्लू जी और दिवाकर से मिलकर आपको कैसे लगा मुझे तो बहुत मज़ा आया और चलिए अब जाते जाते आपको एक ज़रूरी सूचना दे देती हूँ कि एन की जो पुस्तके है पुस्तकें हैं सत्र दो और चौबीस की वो आप ख़रीद सकते हैं डायरेक्टली सेल्स काउंटर जो है एन के दिल्ली गुवाहाटी बेंगलुरु कोलकाता और नई दिल्ली में आप वहाँ से ले सकते हैं ये जो सेल्स काउंटर है वो सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर शाम छः बजे तक खुले हुए हैं सरकारी छुट्टियों वाले दिन भी शनिवार को भी और इतवार को भी आप इन्हें ख़रीद सकते हैं और साथ ही अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो एन सी ई आर टी बुक्स एन सी ई आर टी डॉट जी ओ वी डॉट इन ज़रूर विज़िट करें और साथ ही आप इसका पी वर्जन चाहते हैं तो ई पाठशाला दीक्षा और एन वेबसाइट पर जा सकते हैं और और भी जानकारी लेना चाहते हैं हमारे ऑथराइज्ड वेंडर्स के बारे में तो एन पर ज़रूर लॉग इन करें इसी के साथ अब मैं नुप्रकुल श्रेष्ठ आपसे लेती हूँ इजाज़त नमस्कार